का थीम है ईच फॉर इक्वल। बहरहाल आज हमें इस रिलैक्सिंग सोलफुल और आप कह सकते हैं सूदिंग और टचिंग शाम के लिए जमा किया है राजस्थान उर्दू अकेडमी ने, जो रेगुलर इंटरवल पर अलग अलग जोनर्स के अलग अलग टेस्ट के प्रोग्राम्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करती आ रही है। पिछले दो महीनों में आप देख रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम्स यही रविंद्र मंच पर कहानी गजल की, बिरला ऑडिटोरियम में राष्ट्रकवि प्रदीप को समर्पित गीतों की एक शाम, और इसके बाद उर्दू ड्रामा, और आज फिर हम जमा हैं यहाँ रविंद्र मंच पर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सब तरफ कोरोना वायरस का खौफ है, फिर भी आप जिस तादाद में जमा है, ऑडियंस पुट योर हैंड्स टुगेदर, सबसे पहले आपकी जो स्पिरिट है उसको हम बहुत बहुत सलाम करते हैं, क्योंकि आपने टुगेदरनेस की जो एक मिसाल है उसे यहाँ कायम किया है राजस्थान उर्दू अकेडमी के बुलावे पर। बहुत बहुत आप सभी का इस्तकबाल। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में कुछ खास मेहमान शिरकत कर रहे हैं, उनमें है जनाब प्रशांत बैरवा साहब, MLA निवाई विधानसभा सीट से, जिला टोंक से हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। जनाब रफी खान साहब, MLA आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र जयपुर, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। आपने कार्ड में देखा माननीय BD कल्ला साहब का नाम, जो कला संस्कृति मंत्री है, लेकिन वो बाड़मेर में जो फसल खराबा हुआ है ओलावृष्टि से, किसानों से मुलाकात करने के लिए और खराबे का जायजा लेने के लिए गए हुए, इसलिए वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ हैं IPS प्रसन्न कुमार खमेसरा साहब, DIG पुलिस पर्सनल जयपुर, आपका भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। जनाब राजदीप रस्तोगी साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिया, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, और हमें ज्वाइन किया है CJM JDA चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर, जनाब धर्मचंद मीणा जी ने। आप सभी से हम दरख्वास्त कर रहे हैं आप लैंप लाइटिंग के लिए आए। शमा रोशन हो रही है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020, और ये मुशायरे का आगाज होने जा रहा है ऑनरेबल तमाम डिग्निटरीज के द्वारा, उनके जरिए। ईच फॉर इक्वल एंड जनरेशन इक्वालिटी, ये जो थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020 का, आप जरूर मान रहे होंगे कि ये जो पूरा स्टेज है इसकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर रहा है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, और हम पूरे सूबे में, पूरे देश में, विदेशों में मना रहे हैं बापू की 150वीं जयंती, लेकिन राजस्थान सबसे पहले बापू की तस्वीर पर फूल पेश कर रहे हैं सारे मेहमान और डिग्निटरीज। तो ये हमारी जो तमाम शायरात है, दे ऑल आर रेडियंट कॉन्फिडेंट और बहुत ही खूबसूरती के साथ नुमाइंदगी कर रही है विमेनहुड की। तो एक बार आप सभी
उनका अप्रिसिएशन करिए, आपकी मौजूदगी दर्ज करवाइए। राजस्थान एमएलए आदर्श नगर आर्डेंट गोल्फर है एंड ही इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑलवेज वॉइस एंड वाउच्ड फॉर द सेक्युलरिज्म, जनाब रफीक खान साहब, राजदीप रस्तोगी साहब, प्रसन्न कुमार खमीसरा साहब, लीडरशिप का और आप कह सकते हैं ही इज मैन इन अथॉरिटी, लेकिन उसके बावजूद तमाम अकेडमी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शिरकत करते हैं। आप आर्डेंट आर्ट लवर है, एस्टेट है, और मीना साहब जीडीए में बहुत बहुत शुक्रिया है उनमें। सबसे पहले जयपुर हमें ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में कमर सुरूर साहिबा पूना से, सबा बलरामपुरी साहिबा लखनऊ से, शबाना शबनम साहिबा उज्जैन से, जी हमें ज्वाइन किया है प्रभा ठाकुर साहिबा ने। मैडम यू आर वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर्स राजस्थान उर्दू अकेडमी। सिया सचदेव साहिबा बरेली से, मैडम रेणु नैयर साहिबा, ऑलमोस्ट अक्रॉस द इंडिया यहाँ रिप्रेजेंटेशन स्टेज पर, इंदौर से अनीता सोनी मैडम, और गोवा से रिप्रेजेंटेशन है मैडम फौजिया रबाब। बीइंग होस्ट जो हमारी जयपुराइट से उनमें मैडम शोभा चंद्र साहिबा और जीनत कैफी साहिबा। अदब की महफिल सजी है सब्रो सुकून से इत्मीनान से, आप सब इन्हें सुनेंगे, सुनने की शाम है। पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में भी ये अदब की नुमाइंदगी करती है, और ये खास तौर पर आज का जो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाला मुशायरा है जिसे कंडक्ट करने जा रहे हैं अमरावती से आए जनाब अबरार काशिफ साहब, उन्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हम बुलाते हैं। आज ये निजामत इस प्रोग्राम की करेंगे और आप सभी जानते हैं कि इसमें वो बहुत ही माहिर हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रोलिफिक। सभी की प्रेजेंस रेडिएंट ब्यूटीफुल, जनाब रफीक खान साहब से गुजारिश के अलावा खास तौर पर सेक्युलरिज्म की हमेशा नुमाइंदगी करते हैं जनाब रफीक खान साहब। उर्दू एकेडमी, राजस्थान उर्दू एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इन खवातीन मुशायरा और बाहर से आए हुए सब खवातीन का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे माफी चाहेंगे कि आपका नाम ये पहली लिस्ट में भूल गए। तो आप ये देखो कि जो जिनको लास्ट में बुलाया जाता है और जिस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंस का इनको प्रेजेंस अपनी बताई, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपको। आप सबका यहाँ जयपुर पिंक सिटी में स्वागत करते हैं राजस्थान उर्दू एकेडमी की तरफ से, और यहाँ प्रेजेंस काफ़ी सारे श्रोताओं की, काफ़ी सारे दर्शकों की यहाँ मौजूद है, और मुझे पूरा अंदाज़ा इस बात का कि बहुत अच्छे मुशायरे की शुरुआत यहाँ होने जा रही है। और इन्होंने अभी बताया कि मैं गोल्फर हूँ लेकिन मेरे फादर बहुत अरसे तक शायरी करते रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं लिखता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत समझता जरूर हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की कंपनी में रहें। आप सबका जयपुर में एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत, और काफ़ी डिग्निटीज़ यहाँ रस्तोगी साहब हैं, मीना जी हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, आप सब का भी इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मुशायरे की शुरुआत यहां हुई है और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रोग्राम यहां होंगे। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और आपको ये बताएं कि 8 मार्च जो है उर्दू के जो मशहूर अफसाना नगार रहे, शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, नॉवलिस्ट रहे कृष्णचंद्र साहब, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी आपने लिखा है, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए और इसके साथ ही औरतों के हकूक की हमेशा हिमायत करने वाले मशहूर बॉलीवुड गीतकार साहिर लुधियानवी साहब का आज बर्थ एनिवर्सरी है, उनका बर्थडे है। तो ये जो मुशायरा है, इन दोनों ही अजीम शख्सियात को डेडिकेट किया जा रहा है जो अल्फाज के जादूगर हैं। इसके अलावा हम राजस्थान उर्दू अकेडमी की जानिब रविंद्र मंच की पूरी टीम और मैडम शिप्रा शर्मा साहिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो हर प्रोग्राम में बहुत ही उनका ताबून रहता है और हमें कोऑपरेट करते हैं। तो उनकी एंटायर टीम को हम उर्दू अकेडमी की जानिब अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और प्रोग्राम की जो आज सदारत फरमा रही है मैडम प्रभा ठाकुर साहिबा, सियासत राजनीति के कर आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, शायरा हैं,